पूरा जो भाषण था प्रधानमंत्री का, उन्होंने अमेरिका और भारत के अहम रिश्तों की बात की, बदले रिश्तों की बात की, और भारत क्या कुछ कर रहा है वो भी उन्होंने वहां पर बताया, और काफी तारीफ वहां पर नजर आ रही है पीएम के भाषण की। जी हाँ, अगर हम कुछ बहुत अहम मुद्दे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में वहाँ पे यूएस के कैपिटल हिल पे बोले, उसमें जो अहम मुद्दे भारत और अमेरिका के रिश्तों से जुड़े थे, उसमें हमने देखा कि जो हाउस के मेंबर्स थे और सेनेटर्स थे, उन्होंने खड़े होकर तालियां बजाई, जैसे कि डिफेंस पार्टनरशिप की जो अभी आपने उनका जो एक पोर्शन चलाया, वो जब उन्होंने बोला कि एक जब टर्न ऑफ द सेंचुरी थी तो अमेरिका और भारत के बीच में हार्डली कोई डिफेंस पार्टनरशिप थी, और ये बिल्कुल ही चेंज हो गया है। अब आज हम इस दौर में पहुंच गए हैं कि आज टेक पार्टनरशिप की, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात हो रही है कादम्बनी। आज जब बायलैटरल मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा कि एक लैंडमार्क दिन है, ये डील एक लैंडमार्क होगी और एशिया के बीच में, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इंश्योर करेगी भारत और अमेरिका के बीच में डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। तो उससे एक राउंड ऑफ अप्लॉज मिला उनको मेंबर्स से। दूसरा, जब उन्होंने यूक्रेन के बारे में, युद्ध के बारे में बात की, उन्होंने बोला कि यूएन चार्टर के हिसाब से चलना चाहिए, उसको अधियर करना चाहिए, सुवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और हमें कुछ भी करके जो ये वॉर चल रही है यूक्रेन में इसको रोकना होगा, और जो ब्लडशेड हो रहा है उसको भी रोकना होगा। तो इससे भी मेंबर्स ने अग्रीमेंट में उठ के एक तरह से सराहा जो स्टैंड भारत ने लिया है और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वक्त कैपिटल में बोला था। इसके अलावा अगर हम कुछ और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट देखें तो मेरे ख्याल से एक रेफरेंस था जो चीन की तरफ था रेफरेंस, जब उन्होंने मेंशन किया कि जो इंडो पैसिफिक है उसमें इस वक्त कोऑर्डिनेशन, यानी कि जो एक तरह से हम चीन का दबदबा देखें, चीन का नाम नहीं इस्तेमाल किया गया कादम्बनी, लेकिन रेफरेंस बहुत क्लियर है, क्योंकि इंडो पैसिफिक में जब भी अग्रेसिव की बात आती है और तो चीन की तरफ ही उंगलियां उठती हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि जो इंडिया और अमेरिका की पार्टनरशिप है उसके लिए ये एक कोर सेंट्रल कंसर्न है, ये एक चिंता की बात है कि कोई कंट्री इस इंडो पैसिफिक में कोअर्शन का इस्तेमाल कर रही है। तो ये कुछ बड़े अहम मुद्दे थे जो प्रधानमंत्री मोदी ने उठाया। एक जगह जहां और उनको अप्लॉज मिला वो था जब उन्होंने कंपैरिजन ड्रॉ किया कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई ने बहुत एडवांसेस किए हैं हाल फिलहाल में, लेकिन उनको तो एक और एआई अहम है और वो है अमेरिका इंडिया। तो जहां पर भी दोनों देशों के रिश्ते और उसको कैसे बेहतर बनाए उसका रेफरेंस था, तो जरूर तालियां बजी, और एक ताली कुछ तालियां करती, ज्यादातर तालियां करती रही कादम्बनी जब उन्होंने इंडो एशियन अमेरिकन कम्युनिटी की बात करी, उसके कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करी, और ये कहा कि एक महिला जो ये पीछे है उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट करी है, भारत के ओरिजिन की है, भारत के उसके रूट्स हैं, और तब भी कमला हैरिस के तरफ जब उन्होंने इशारा किया तब भी काफी तालियां बजी। दूसरी बात है, ये भी बता दूं कादम्बनी की पब्लिक गैलरी में जो जो हाउस के मेंबर्स नहीं है बाहर पब्लिक से आए थे, वो गैलरी ज्यादातर इंडियन अमेरिकन से भरी हुई थी, इसीलिए जो आपने मोदी मोदी की चांटिंग सुनी वो ये पब्लिक गैलरी से आ रही थी। शुक्रिया महा आपका इस सब जानकारी के लिए।